हेलो एवरीवन, अल जायका फूड्स किचन की जान महफिल की शान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने कुरकुरी मसालेदार भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे एस स्नैक भी खा सकते हैं या किसी दाल चावल के साथ भी साइड डिश की तरह इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए देख लेते हैं ये कुरकुरी मज़ेदार भिंडी बनती कैसे है। कुरकुरी मसालेदार भिंडी बनाने के लिए ये मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है। मैंने भिंडी को चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। आप भिंडी को किसी भी शेप से काट सकते हैं, लेकिन इसको लंबा ही लंबा काटा जाता है, तभी इसके ऊपर मसाला अच्छे से कोट होता है। और यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला लिया है, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून अजवाइन लिए और हाफ टी स्पून मैंने चाट मसाला लिया है और क्वार्टर टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है और हाफ टी स्पून हमने इसमें चाट मसाला डाला है। भिंडी में अजवाइन टेस्ट को इसके इन्हेंस तो करेगा ही, लेकिन ये डाइजेस्ट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि भिंडी डाइजेस्ट में थोड़ा टाइम लेती है। हो सके तो आप फ्राई भिंडी में अजवाइन ज़रूर डालें। सारे मसाले हमने भिंडी के ऊपर डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून ये बेसन डालेंगे। भिंडी को कुरकुरा मज़ेदार बनाने के लिए ये बेसन मेन इंग्रेडिएंट्स है। इसको डालने के बाद हम बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट हम इसी तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे। 2-3 मिनट के बाद देखेंगे कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज होने लगा है। और इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, ये रिफाइंड ऑयल है। ऑयल डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने के बाद ये भिंडी में है ना मसाला इसके चिपकने लगेगा। आप खुद देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से कोट होने लगा है। इसमें हम पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। भिंडी में ऑलरेडी है ना इसमें चिपचिपाहट होती है और मॉइस्चर होता है। अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो ये इसका मसाला बहुत गीला गीला हो जाएगा। जब तक हमारी भिंडी 2 मिनट का रेस्ट ले रही है और दूसरी तरफ हमने ऑयल भी गरम करने रख दिया है, तब तक हमारा ऑयल भी बहुत अच्छे से गरम हो जाएगा। हमें तेज़ ऑयल में ही ये भिंडी फ्राई करना है। देखिए काफ़ी मॉइस्चर आ गया है और काफ़ी अच्छे से मसाला भी कोट हो गया है। अब हम इसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देंगे। अब ये फ्राई करने के लिए हमारे बिल्कुल तैयार है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। एक भिंडी डालकर हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें काफ़ी बबल आना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी भिंडी डालेंगे। हमें बहुत ज़्यादा ओवर क्लाउड नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी भिंडी डालकर ही हमें फ्राई करना है। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो तभी हम इसके अंदर भिंडी डालेंगे। इससे हमारा मसाला ऑयल में बिल्कुल नहीं निकलेगा और भिंडी भी हमारी तेज ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई होगी। देखिए हमने 4-5 मिनट अच्छे से भिंडी को फ्राई कर लिया है। अब ये भिंडी हमारी फ्राई हो गई है, इसे हम एक खुले हुए बर्तन में इसे निकाल कर रखेंगे। भिंडी को हम फैला फैला के रखेंगे ताकि इसका मॉइस्चर और आसानी से उड़ जाए। देखिए हमने एक बड़ी प्लेट का यूज़ किया है। आप छन्ने में भी रख सकते हैं या बड़ी प्लेट का यूज़ करें और इसको फैला फैला के इसके अंदर रखें। इसी मेथड से हम दूसरा भी बैच फ्राई कर लेंगे। भिंडी डालने के बाद हमें अलट पलट नहीं करना है, इसको 2 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। इससे मसाला हमारा भिंडी पे अच्छे से कोट हो जाएगा और ये अच्छे से चिपक जाएगा। अब 2 मिनट के बाद हम इसको अलट पलट करेंगे और 5 मिनट तक इसको भी हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। देखिए हमारी भिंडी ये फ्राई होने लगी है। इसे भी हम इसे प्लेट में खुले हुए बर्तन में निकाल लेंगे। ये कुरकुरी मज़ेदार फ्राई भिंडी आप एज स्नैक इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं या आप इसको दाल चावल के साथ साइड डिश के तौर पर ले सकते हैं। देखिए हमारी कुरकुरी मज़ेदार ये मसाला भिंडी फ्राई हो गई है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा और चाट मसाला डालकर इसको यूज़ करें। मैं इसे टेस्ट कर चुकी हूँ, हमारी भिंडी बहुत ही मज़ेदार बनी है। देखिए कितनी कुरकुरी और हमारी
मसालेदार भिंडी तैयार हो गई है और ये काफ़ी अच्छी कुरकुरी भी बनी है। आप भी एक इसी मेथड से एक बार ज़रूर बना कर खाएँ, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। ज़ुबान पर स्वाद रखना, दुआओं में याद रखना। अपनी आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।